सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल टेक टिप्स एंड ट्रिक्स को, बेल आइकन पर क्लिक करिए और बने रहिए हमारे साथ लेटेस्ट वीडियोस एंड अपडेट्स के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं टेक टिप्स एंड ट्रिक्स। आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक और छोटी सी मोटिवेशन स्टोरी लेके। आज जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूं, ये एक्चुअली कोई कहानी नहीं है बल्कि एक ऐसे इंसान की बायोग्राफी है जिसे आप सभी जानते हैं। चलिए चलते हैं अपनी कहानी की ओर। MDH मसाले आप सभी जानते होंगे, हो सकता है आपके घर में अभी भी एक आध पैकेट होगा MDH का मसाले का। तो दोस्तों, MDH मसाले आज किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है और इसके फाउंडर जो हैं वो हैं महाशय धर्मपाल हट्टी जी। इनका जन्म सियालकोट में हुआ था जो कि आज पाकिस्तान में है। बचपन से ही इनके फैमिली बैकग्राउंड इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, बहुत ही मामूली सी फैमिली से ये बिलोंग करते थे। महाशय जी जब धर्मपाल जी जब धीरे धीरे बड़ा हुए तो उनके पिताजी ने उन्हें स्कूल में दाखिला दिलवा दिया, लेकिन इनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। जैसे तैसे ये पांचवी क्लास तक पहुँचे और उसके बाद पांचवी कक्षा में एक बार फेल हो गए। उसके बाद इनका और मन ही नहीं किया कि मैं दोबारा स्कूल जाऊँ और उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया। इनके पिताजी बहुत परेशान रहने लगे और एक दिन उनके पिताजी ने धर्मपाल जी को बुलाया और बोला, बेटा अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो ऐसा करो, कुछ काम करो। उन्होंने उसे एक बढ़ई के यहाँ, कारपेंटर के यहाँ पर जॉब लगवा दी। दो तीन महीने काम करने के बाद वो उस काम को भी छोड़ दिया। उन्होंने बोला, पापा मुझे मन नहीं लग रहा है। ऐसा ही चलता रहा अगले कुछ सालों तक, जब तक इनकी उम्र 15 साल की हुई तब तक ये लगभग 50 जॉब्स बदली कर चुके थे। इनके पिताजी को कुछ समझ में नहीं आया। सियालकोट में मिर्च बहुत फेमस थे, उनके पिताजी ने घर पे ही मिर्च मसालों का बिजनेस शुरू कर दिया और धर्मपाल को भी उसी में इन्वॉल्व कर दिया। और गनीमत से सियालकोट में इनके मसाले की दुकान बहुत ज़ोर शोर से चल पड़ी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ उस टाइम, सन 1947-46 लगभग चल रहा था और देश की आज़ादी का जोर शोर प्रकोप था। और 1947 में जब डिवाइडेशन हुआ तो धर्मपाल को अपनी पूरी फैमिली के साथ इंडिया भाग कर आना पड़ा क्योंकि भगदड़ मचे हुए थे, मारा काटा चल रहा था चारों ओर और पाकिस्तान में हिंदू ऐसे भी डरे हुए थे। तो वो पैदल चल के ही नानक डेरा तक पहुँचे, उसके बाद वहाँ से अमृतसर आए। दिल्ली में उनके कोई रिश्तेदार थे तो वो दिल्ली करोल बाग चले आए। उसके बाद उन्होंने 1500 रुपये अरेंज करके एक टांगा लिया और कुछ दिनों तक उन्होंने टांगा चलाया। दो तीन महीने टांगा चलाने के बाद उसमें भी उनका मन नहीं लगा और उनको मसाले के बिजनेस के अलावा दूसरा कुछ आता भी नहीं था। तो उन्होंने अपने टांगे को बेच दिया और अपने घर पे ही मसाले ले आते बाजार से और उन्हें पीस करके सप्लाई करते थे। धीरे धीरे उनके मसालों का बिजनेस यहाँ भी जोर पकड़ने लगा और वो फेमस हो गए। फिर उन्होंने क्या किया, एक सेठ के यहाँ चक्की पे ले जाकर मसाला पिसवाया करते थे क्योंकि अब क्वांटिटी बढ़ चुकी थी, ऑर्डर बढ़ने लगे थे और ये व्यापार उनका अच्छा चलने लगा था। एक दिन सेठ से जब वे मिलने गए तो उन्होंने देखा कि सेठ उनके मसालों में कुछ मिलावट कर रहा है। ये देखकर धर्मपाल जी को बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ। तभी उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब वो अपनी चक्की डालेंगे और उन्होंने कीर्ति नगर दिल्ली में अपनी पहली फैक्ट्री डाली मसालों की। और उस दिन के बाद आज का दिन है, वो कभी भी पलट कर नहीं देखे और आज उनका व्यापार अरबों खरबों में फैल गया है। तो दोस्तों, इनकी कहानी से हमें एक चीज़ तो समझ में आती है कि कोई भी व्यापार बगैर संघर्ष के खड़ा नहीं होता। और आज यही मिसाल हमारे सामने है। आज MDH मसाले
महासियादी हट्टी हर कोई जानता है पूरे भारत में, यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड में इसे एक अलग पहचान मिल चुकी है। और सिर्फ व्यापार ही नहीं, धर्मपाल जी चैरिटी का काम भी करते हैं। पूरे भारतवर्ष में इनके कई स्कूल और कई अस्पताल भी हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी आप हमें बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दे देना, और कमेंट्स अगर कुछ करना चाहो तो कमेंट्स भी करना, हम आपके कमेंट्स का जवाब देंगे। और एक विनती है आपसे, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।